अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी कज़न आप लोगों के लिए हेयर ट्रीटमेंट लाई है, होम रेमेडी जो ड्राई और डल हेयर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोगों के साथ वो अपनी टिप्स शेयर करेगी। तो सबसे पहले जो आप लोगों को चीज़ें चाहिए होंगी, उसके लिए कोकोनट ऑयल चाहिए आपको, किसी भी कंपनी का विटामिन ई की कैप्सूल चाहिए और जॉनसन्स बेबी ऑयल चाहिए। सबसे पहले हम एक बाउल या कोई भी रफ़ प्लेट ले लें या कोई भी बाउल ले लें, उसमें जो है आपको 2 टेबलस्पून भर कर जो है वो कोकोनट ऑयल चाहिए होगा। कोकोनट ऑयल आप किसी भी कंपनी का ले लें, नो इशू, पर अच्छा और ओरिजिनल होना चाहिए। 2 टेबलस्पून ये भर कर ले लें। कोकोनट ऑयल हमें जो है वो मेल्ट करना होगा, बिल्कुल मेल्ट। थोड़ा सा नीम गर्म हमें ये चाहिए होगा, ठंडा नहीं, नीम गर्म। हम इसको 1 मिनट के लिए हम इसको माइक्रो कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जॉनसन्स बेबी ऑयल और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मिक्स कर लेंगे दोनों ऑयल जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे हो जाएँ। और इसमें लास्ट में हम जो है वो विटामिन ई की जो कैप्सूल मैंने आप लोगों को फर्स्ट में शेयर की थी, वो जो है हम इसमें ऐड कर देंगे। विटामिन ई की कैप्सूल जो है वो इसके अंदर जो है वो इसका सीरम होता है, तो इसको हम कट कर कर ऊपर से इसका सारा सीरम जो है हम वो अपने ऑयल्स में जो है वो ऐड कर लेंगे। विटामिन ई बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आपके बालों को वो शाइन देता है और आपकी लेंथ अच्छी होती है इससे। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद आप अपने हेयर रूट्स पे अच्छे से अप्लाई करेंगे। तकरीबन 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे आप इसको अच्छे रिज़ल्ट के लिए रखें। हफ्ते में 2 बार या 3 बार ज़रूर अप्लाई करें और रिज़ल्ट बताएं। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग को ये होम रेमेडी कैसी लगी और आप लोग और क्या टिप्स शेयर चाहते हैं कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।